गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास के बाद फिजिक्स की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर फिजिक्स हम लोग कुछ पढ़ा जाए, तो फिजिक्स में देखिए हमने कुछ लेसन्स लाइट्स के बताए थे। उसमें हमने पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो देखिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट्स अगर थोड़ी सी आप बारीकली समझेंगे तो उसकी पूरी फिनोमेना को बहुत आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। ये बहुत इजी है, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में देखिए कुछ पॉइंट्स से पोलराइजेशन ऑफ लाइट्स का मतलब क्या होता है। दैट मीन्स लाइट हैव नो रोटेशनल पावर, मतलब लाइट्स में रोटेशनल का पावर ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे मैं आप एक्सपेरिमेंट बताऊँ, जैसे मेरे पास दो मान लीजिए टूरमैलिन क्रिस्टल है, जब दोनों का जो अक्ष है बिल्कुल सेम है, दोनों का अक्ष बिल्कुल सेम, अगर मैं टॉर्च जलाऊंगा तो जो यहाँ पे इमेज बनेगा कैसा बनेगा, जैसे यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है, देखिए इस प्रकार से इमेज बनेगा जैसे यहाँ पे कटा हुआ है इस तरीके से। बट अगर दोनों में से मैं एक को रोटेट कर दूँ, ऐसे रोटेट कर दूँ, तो क्या इमेज इस प्रकार से बनेगा? नहीं, इमेज केवल ऐसा बनेगा जो दोनों के बीच से होकर जा रहा है, मतलब केवल एक बिंदु की तरह प्रकाश बनेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक। तो देखिए पहले होता क्या है, प्रकाश का ध्रुवण बताया जाता है कि जब किसी दो समांतर पोलराइड को एक दूसरे के पास रखा जाता है तो उससे गुजरने वाला प्रकाश जो होता है वो लंबवत होता है। प्रकाश क्या होता है? लंबवत होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी। बट जब दोनों में से जैसे मैंने एस को रोटेट कर दिया है तो पहले द्वारा गुजरने वाला जो प्रकाश होगा वो तो लंबवत होगा, बट दूसरे द्वारा गुजरने वाला प्रकाश क्या होगा, मतलब इसका अधिकांश भाग इसके द्वारा रोक लिया जाएगा। जो अपर और लोअर वाला भाग दिख रहा है इसके द्वारा क्या होगा, यह रोक लिया जाएगा, केवल वही प्रकाश जाएगा जो दोनों के सीध में होगा ना, इस प्रकाश रखने के बाद। तो इस प्रकार के प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। और इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का ध्रुवण, ठीक। तो देखिए जो प्रकाश में कुछ टॉपिक्स आपको हैं, जैसे ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश मतलब ऐसा प्रकाश जिसकी प्रकाश स्रोत जो हो उनकी जो किरणें होती हैं वह चारों दिशाओं में अगर संचरित हो रही हैं, जैसे कि जो बल्ब से प्रकाश निकल रहा है वहां पे क्या होगा, प्रकाश की जो रे होगी वह चारों दिशाओं में संचरित होगी, तो उसको हम बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज लाइट्स, ठीक। ध्रुवित प्रकाश का मतलब अगर प्रकाश एक ही दिशा में संचरित हो रहा है, जैसे किसी पोलराइड द्वारा जो प्रकाश गुजर रहा है, यहाँ जो पोलराइड द्वारा प्रकाश गुजर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक दिशिक होगी, समांतर होगी, तो इसे हम बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। और कुछ प्रकाश क्या होता है, बिंदुवत इस प्रकार से गुजरता है, जैसे कि मैंने बताया कि जब दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो वहां पर जो प्रकाश होता है बिंदु होता है, उसको हम समतल ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड दैट मींस जो लाइट्स जो होंगे वो चारों डायरेक्शन में अगर फैल जा रहे हैं, दैट इज अनपोलराइज्ड। पोलराइज्ड मींस जो लाइट्स होंगी वह केवल वन डायरेक्शनल होगा, तो पोलराइज्ड हो जाएगा। और समतल ध्रुवित प्रकाश जो होगा वह एक बिंदु के रूप में होगा, तो डॉटेड पोलराइज्ड लाइट्स हो जाएगा हमारे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखिए समझ करके अगर लर्न करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर हम लोग को अच्छी तरीके समझ आएगा। आई होप आपको पोलराइजेशन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। जब कोई दो पोलराइड, जिसे दोनों पोलराइड हैं, जब दोनों पोलराइड एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उसके द्वारा गुजरने वाला प्रकाश जो होता है वो लंबवत होता है, परंतु जब दोनों में से एक को हम क्या करते हैं 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो पहले द्वारा गुजरने वाला प्रकाश लंबवत होता है लेकिन इसका अधिकांश भाग दूसरे द्वारा रोक लिया जाता है। प्रकाश केवल वही गुजरता है जो दोनों के सीध में होता है बिल्कुल। मैंने बताया था एग्जांपल्स में, जैसे अगर इस प्रकार से दोनों पोलराइड्स हैं, अब इसमें से क्या है, जब हम उसको 90 डिग्री रोटेट कर देंगे
जो केवल इसमें प्रकाश गुजरेगा बिंदु की तरह, बस वही प्रकाश पहुंचेगा, ठीक है, उसे समतल प्रकाश बोलते हैं। टोटल फिनोमेना दैट इज नोन एज द अनपोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ क्या है? ब्रूस्टर्स ने बताया कि जब कोई भी लाइट्स जो होता है मतलब किसी पारदर्शी ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर आपतित होता है तो क्या होता है कि प्रकाश का में अपवर्तन के साथ साथ आंशिक रूप से परावर्तन भी होता है, और जो अपवर्तित किरणें होती हैं वहाँ पे जो प्रकाश का ध्रुवण होता है वह ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न होता है, और आंशिक रूप से जो परावर्तन होता है वो हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। जैसे कि समझिए, ऐसे मान लीजिए प्रकाश को जब हम जल में डुबो रहे हैं, ध्यान से समझिएगा आसानी से समझ में आ जाएगा, जब हम अद्वित प्रकाश यहाँ पे डाल रहे हैं, जैसे कोई टॉर्च अगर हम जला रहे हैं तो टॉर्च हमारा क्या हो जाएगा, अद्वित प्रकाश हो जाएगा, ठीक। जब हम अद्वित प्रकाश इंसिडेंट करते हैं तो जो प्रकाश जल में अपने मार्ग से विचलता है वह हमारा ध्रुवित प्रकाश के रूप में होता है, और इसके साथ साथ आंशिक रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश भी परावर्तित होता है, मतलब अपवर्तन के साथ साथ आंशिक रूप से परावर्तन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल में मान लीजिए जल है, जब हम उसको टॉर्च को जलाते हैं तो देखते हैं कि बिंब जो होता है ऐसे दीवार में ऊपर की ओर बनता है, ठीक है, तो आंशिक रूप से उसमें क्या होता है, परावर्तन भी होता है। इसी को सब फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रूस्टर ने बताया, इसलिए से हम ब्रूस्टर्स का नियम भी बोलते हैं। ब्रूस्टर्स ने बताया कि यहाँ पे जो आपतन कोण है आईपी, उसका टेंजेंट जो होता है उसके माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, टेन आई पी इक्वल टू एन, ब्रूस्टर्स लॉ। टेन आई पी इक्वल टू एन होता है, इसको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से आता है कि सिद्ध कीजिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर लंबवत होते हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दैट्स एडिशन आर ऑलवेज 90 डिग्री। तो समझ सकते हैं, देखिए बाय ब्रूस्टर्स लॉ टेन आई पी इज इक्वल टू एन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई पी बटे कॉस आई पी इज इक्वल टू एन, दैट इज इक्वेशन नंबर वन। बाई स्नेल ला वट इज साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू एन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड राइट हैंड दैट इज ऑल्सो इक्वल अपोज साइड, दैट मीन्स लेफ्ट साइड ऑल्सो विल बी इक्वल, साइन आई पी अपन cos ip is equal to sin ip upon sin r, that is r, sin ip से sin ip cancel हो जाएगा, cos ip is equal to sin r, cos ip इसको हम लिख सकते हैं ऐसे cos 90 minus r, cos 90 minus r that is sin r, angle equal होगा तो ip is equal to 90 minus r या आई पी प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है, प्रूव दैट्स इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल एडिशन आर ऑलवेज 90 डिग्री। आपतन कोण और आंशिक रूप से अपवर्तन कोण का जो योगफल होता है वो 90 डिग्री होता है, अगर ये आर हमारा है तो ये भी हमारा आर ही होता है, इस तरीके से।
आई होप आप इसको समझने का प्रयास किए होंगे, समझ में भी आया होगा। इसको वीडियो को पॉज कर करके अपना नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। दृष्टश्ला जब हम अद्वित प्रकाश किसी भी पारदर्शी माध्यम में अद्वित करते हैं, तो जो प्रकाश अपवर्तित होता है वह हमारा ध्रुवित प्रकाश होता है, उसके साथ साथ आंशिक रूप से परावर्तन भी होता है, जो हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में जाना जाता है। इस माध्यम का जो आपतन कोण का टेंजेंट होता है उस माध्यम का अपवर्तनांक पर के बराबर होता है, दैट इज ब्रूस्टर्स लॉ। बोले राइट, पोलराइट्स क्या होता है समझिए। पोलराइट्स बताया जाता है एक प्रकार का संसाधन या एक प्रकार का सिस्टम या युक्ति है जिसकी सहायता से हम ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। एक्चुअली बताया जाता है कि इस प्रकार का कुछ प्लेट्स होता है, इसमें कांच के दो पृष्ठ होते हैं जिनके बीच में नाइट्रो सेलुलोज, ये हमारा हो गया प्लेट ऑफ ग्लास, जो लेयर होता है नाइट्रो सेलुलोज, नाइट्रो सेलुलोज का लेप लगा करके इसको बनाया जाता है इस प्रकार से। जब हम अद्वित प्रकाश इसमें आपतित करते हैं, तो जब यह पोलराइड द्वारा होकर के क्रॉस करता है, गुजरता है, तो वहाँ पर हमको ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न होता है जिसकी डायरेक्शन वन डायमेंशनल होती है। अद्वित प्रकाश जब हम पोलराइड पर आपतित करते हैं, तो यहाँ से हमको ध्रुवित प्रकाश पोलराइज प्रकाश निकलता है, अनपोलराइज और यहाँ पे पोलराइज लाइट्स। देखिए इसमें होता है क्या, एक्चुअली मैंने बताया कि जब कांच के दो पृष्ठ के बीच में नाइट्रो सेलुलोज का लेप लगा करके, कांच कैसे दो गोले गोलाकार पृष्ठ होंगे, गोलाकार पृष्ठ होंगे, उनके बीच में नाइट्रो सेलुलोज लगाकर दोनों को चिपका दिया जाता है, और उसमें क्या होता है इस प्रकार से एक ही दिशा में लंबवत लाइनें खींची गई होती हैं। जब इस पर हम अद्वित प्रकाश जैसे कोई टॉर्च वॉर्च अगर हम चलाते हैं, तो प्रकाश का कुछ मात्रा जो होता है इसके लेयर द्वारा रोक लिया जाता है, केवल ध्रुवित प्रकाश मतलब आंशिकता प्रकाश जो होता है वह बाहर गुजरता है। जो बाहर प्रकाश गुजरता है उसकी डायमेंशनल वन डायरेक्शनल होती है, मतलब वह ध्रुवित प्रकाश होता है, ठीक है। इसके जो यूजेज हैं आपको बताए जाते हैं, जैसे सामने से आने वाले जो वैन होते हैं उसके चकाचौंध से बचने के लिए इसका यूज किया जाता है, सामने से आने वाले जो वैन वैन होते हैं उसके चकाचौंध से बचने के लिए इसका यूज किया जाता है, और जितने हमारे बड़े स्टेशन एरोप्लेन्स होते हैं, बड़े मॉल होते हैं, उनके जो कांच होते हैं उसमें भी पोलराइट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। पोलराइट्स का यूज किया जाता है, जो हमारे वेल्डिंग्स के जो ग्लास होते हैं, जो देखते होंगे हम लोग वेल्डिंग्स करने वाले लोग होते हैं, उनके ग्लास में भी ऐसे पोलराइट्स लगा होता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल हॉस्पिटल में देखेंगे तो जो डायरेक्ट सन का लाइट्स आता है उसमें पोलराइट्स लगा होता है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो मैक्सिमम प्रकाश होता है वो पोलराइट्स उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, केवल कुछ मात्रा प्रकाश का जो होता है वह पोलराइज लाइट्स के रूप में जो अंदर जाता है, जिसकी डायरेक्शन और वन डायरेक्शन होती है। इसमें चकाचौंध जिससे सामने जो चोनी आती है वह नहीं आता है, ठीक है। तो इसके कुछ यूज भी यूज जो हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट्स थे। जो पोलराइट्स होता है टू टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ पोलराइज, पैरेलल हो गया, सेकेंड प्राशित हो गया, समांतर में क्या होता है, जैसे कोई दो पोलराइड इस प्रकार से हो कि दोनों की जो
डायमेंशनल है अगर वो दोनों सेम है, दोनों की जो डायमेंशनल है वो सेम है, तो इसके द्वारा जो गुजरने वाला प्रकाश होता है वह आंशिकतः कुछ कम हो जाता है। यहाँ से जो बीच वाले भाग है यहाँ से प्रकाश जो होता है वह आंशिकतः कम हो जाता है, यह हमारा समांतर हो गया पैरेलल, ठीक। बट बताया था कि जैसे ही हम पोलराइड्स को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, जो पोलराइड्स की लाइट्स की जो इंटेंसिटी होती है वह बहुत कम होती जाती है। जैसे एक को इस प्रकार से रखें और दूसरे को इस प्रकार से रखें, तो इसको हम क्रासिक पोलराइड्स बोलते हैं। यहाँ की जो मात्रा होती है वह गुजरने वाली प्रकाश की मात्रा बहुत न्यूनतम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। जैसे अगर ऐसे दोनों हमारी अंगुलियां हैं हल्का, तो इसमें से प्रकाश जाएगा, लेकिन अगर ऐसे हो गया तो प्रकाश नहीं जाएगा। जैसे ऐसे है हल्का हल्का इधर उधर, तो इसमें से कुछ प्रकाश उस साइड जा सकता है, बट जैसे जैसे हम इसको रोटेट करते हैं प्रकाश की जो इंटेंसिटी होती है वह न्यूनतम होती जाती है। तो इसको सबसे पहले माइलस नामक वैज्ञानिक्स ने बताया था, सुन लीजिए, मेलस लॉ। मेलस का नियम क्या है? मेलस ने बताया कि किसी भी पोलराइड द्वारा, जैसे कोई भी पोलराइड्स है सपोज, इसके द्वारा जो गुजरने वाली प्रकाश की तीव्रता होती है, जैसे मान लीजिए प्रकाश मैंने आई जीरो इस पर इंसिडेंट किया, स्टार्टिंग जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है स्टार्टिंग की वह आई जीरो है, मान लीजिए इसे जो गुजरने वाला प्रकाश है वह आई है, ठीक है, जो स्टार्टिंग हमारी है स्टार्टिंग लाइट्स है वह, और पासिंग लाइट जो हमारी होगी, बताया जाता है कि उसकी इंटेंसिटी कुछ कम होती है या उस पर डिपेंड करता है, जो पारगमी तीव्रता होती है जिसको बोलते हैं, जो बाहर निकलती है वह प्रारंभिक तीव्रता पर निर्भर करता है, और उनके बीच में बने कोण के कोज्या के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे मतलब जैसे जैसे रोटेट करते हैं उसके हिसाब से डिपेंडेंट होता है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा उस पर डिपेंड करता है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें, आई प्रोपोर्शनल टू आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से प्रोपोर्शनल चिमटी का अगर चिन्ह लगा हटा दें, आई इज इक्वल टू के आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज द मेलस लॉ, दैट इज ए मेलस लॉ, ठीक है। मेलस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे जो हमारी क्रॉसिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल लाइट्स एंड इट इज आल्सो डिपेंडेंट द एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन लीनियर कंडीशन एंड हॉरिजॉन्टल्स। तो मेलस ने बताया कि किसी भी किसी भी पोलराइड द्वारा जो गुजरने वाली प्रकाश की तीव्रता होती है उसकी प्रारंभिक तीव्रता तथा उनके बीच में बने कोण के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होता है, या जो गुजरने वाली प्रकाश की तीव्रता होती है उसके प्रारंभिक तीव्रता के अनुपाती और उसके बीच के कोण के कोज्या के स्क्वायर के अनुपाती होता है, ठीक। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट्स में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आई होप आप इसको एक अच्छी तरीके से नोट्स बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे, आपको बहुत ईजी लगेगा।